अब पछतावे होतटा जब चिड़िया चुड गई खेत। यह बात अक्सर तब बोली जाती है जब आपके हाथ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। यह अपॉर्चुनिटी का नाम है इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे। मैं आपको बता दूं, यह अपॉर्चुनिटी मैं आपके हाथ से नहीं निकलने देना चाहता हूं, इसी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। आज डेट है 9 अप्रैल और आपको पता है कि आज ही से इंडियन आईपीएल मतलब आपका इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रहा है, आईपीएल स्टार्ट हो रहा है। मैं आज आपको थोड़ी सी गणित भी पढ़ाऊंगा और पिछले वाले कह सकते हो कुछ लेक्चर को आपको याद कराऊंगा। मैं आपको बता दूं, आज डेट है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल से लेकर देखिए 30 मई तक आईपीएल चलने वाला है। और मुझे पता है आप सब लोग पिछले 3-4 महीनों की मेहनत जो हमने एनटीपीसी से पहले की, एनटीपीसी के दौरान की, पिछले 1-1.5 साल की मेहनत को आप सब भूल जाओगे। ये आईपीएल जो आपका आया है ना, ये आपके कह सकते हो जीवन की खुशहाली के नहीं नहीं बर्बादी के लिए आया है। देखिए, मैंने बोर्ड पे दो चीजें ली हुई है, एक तरफ है आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग और दूसरी तरफ देखिए इंडियन रेलवे है। ये दोनों जो दिखने में है ना, आपको लगेगा कि सर छोड़ो इंडियन रेलवे, लेकिन ये आईपीएल बड़ा मस्त है, क्योंकि मुझे पता है कि आज के बाद ज्यादातर बच्चे जो है अगले 2 महीनों के लिए पूरी तरह से बिजी हो जाएंगे इस आईपीएल में। थोड़ा सा मैं देखिए डिफरेंस बताता हूं, ये जो दोनों में भले ही ये इंडियन लिखा हुआ है, लेकिन ये जो इंडियन आईपीएल है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, ये आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आया है। आपको बता दें, ये आईपीएल आपका हर साल आएगा, हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में 1 साल में 2 बार आ जाए, लेकिन ये जो नौकरी आपका, ये ऑफर आपको मिला हुआ है इंडियन रेलवे में जॉब करने का, ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी हो, ये आपको मौका हर बार नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हिसाब किताब देखिए ना बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। आज 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल से लेकर 30 मई तक आईपीएल चलने वाला है। अगर आप थोड़ा जोड़ो तो अप्रैल के हो गए 22 दिन और मई के हो गए 30 दिन। अगर एक दिन में मैं बताऊं, आईपीएल लगभग 3 घंटे आता है और एक दिन में यदि आईपीएल 3 घंटे आता है तो पूरे के पूरे देखिए 52 दिन आईपीएल चलना है, और 52 दिन में यदि मैं 3 घंटे का मल्टीप्लाई करा दूं तो ये जाकर बनता है 156 घंटे। आप थोड़ा हिसाब किताब जोड़िए और बताइए ये 156 घंटे आप जो इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, ये 156 घंटे आप बर्बाद करने की कैटेगरी पर है। आज आईपीएल का पहला दिन है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना लाया हूं। ये 156 घंटे ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये इसलिए बड़ा है क्योंकि 156 घंटे में आप अपनी पूरी मैथ, आप पूरी रीजनिंग, आप पूरा जीटे जीएस भी कवर कर सकते हैं। मतलब वो एक तरफ वो बच्चे होंगे जो दिन रात आईपीएल के बारे में सोचेंगे, रात के 3 घंटे 8 से लेकर 11 बजे तक आईपीएल देखेंगे, और एक वो बच्चे होंगे जो कह सकते हो उस आईपीएल के दौरान, आईपीएल के टाइमिंग के दौरान अपना मैथ लगा रहे होंगे, अपना रीजनिंग मैथ जीटे जीएस सॉल्व कर रहे होंगे। अब आप खुद सोच लो जरा, थोड़ा दिमाग लगा के। मतलब एक तरफ वो बच्चे जो आईपीएल देख रहे होंगे, एक तरफ वो बच्चे जो 8 से 11 पढ़ाई कर रहे होंगे, सिलेक्शन या आरआरबी में रेलवे, इंडियन रेलवे में जॉब किस्टी लगने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरे बच्चे जो मुझे फॉलो करते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ये इस बात का ध्यान रखना, ये इंडियन रेलवे में जॉब पाना ये केवल आपका सपना नहीं, हम लोग का सपना है, आपके माता पिता का भी सपना है। ये इसका कोई भी हक आपको नहीं है कि इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से बर्बाद करने का, ये बार बार नहीं मिलने वाली है। अगर एक बार इसमें आपकी जॉब लग गई तो मैं आपको बता दूं पूरी जिंदगी सवर जाएगी, अन्यथा देख लीजिएगा ये 156 घंटे ना पढ़ना इतना सफिशियंट नहीं होगा। मैं आपको बता दूं 156 घंटों में आप यदि आईपीएल डेली देखते हैं तो जितना भी आपने मैथ रीजनिंग जीटे जीएस पढ़ रखा है ना भाई, वो भले ही 3-4 महीने में आपने बहुत अच्छे से कवर किया, वो सब भूल जाओगे, सब कुछ एकदम फ्लैश हो जाएगा, सब कुछ बह जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसमें आपके एक बार ज्वाइनिंग हो जाए, अरे उसके बाद देखिए ना आईपीएल, हर साल आएगा आईपीएल। मुझे पता है बहुत सारे चर्सी लोग होंगे, इतने ज्यादा चर्सी लोग होंगे कि वो इस आईपीएल का एक एक मैच नहीं छोड़ेंगे। तो मैं गलत नहीं बोलूंगा, ये चर्सी लोगों को केवल और केवल हर साल बस आईपीएल ही देखने को रह जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला इनका। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि सर इस बार तो मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, वो लोग इसको पूरी तरीके से हटा दे। ये आज पहला दिन है, आज ही से ये काम आपको शुरू करना। मैं आपको बता दूं, आज से ही ये आईपीएल आपको नहीं देखना, और ये सोचना है कि आज पहला दिन है और इस पहले दिन में मैंने 3 घंटा, इस आईपीएल का 3 घंटा मैंने किसको दिया है, रेलवे को दिया है, इंडियन रेलवे की पढ़ाई की है।
जब आप ऐसा करते करते देखिए पूरे 156 घंटे पढ़ेंगे ना भाई साहब, आपका जो लेवल है ना वो बहुत आगे हो जाएगा। और एक और बात जान लीजिए, वो सारे बच्चे जो इसको देख रहे होंगे ना, वो दुगनी तेजी से नीचे जाएंगे और आप दुगनी तेजी से ऊपर जाएंगे। ये मूल मंत्र है इस बार आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन पाने का, मैं आपको बता दूं। और अब फिर से बता दूं, ये कोई भी हक आपको नहीं है कि आप जो है अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से बर्बाद कीजिए। मैंने पूरे रेलवे पाठशाला की टीम ने आप पर 4-5 महीने की कड़ी मेहनत की है, इसका कोई भी आपको हक नहीं है ये कड़ी मेहनत पे पानी फेर लेने का। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको यह पूरी तरह से बाइकआउट करना है। और यह जो आपको कह सकते हो अगले पूरे जीवन भर की कह सकते हो खुशहाली देने वाला, आपके माता पिता के चेहरे पे खुशी लाने वाला है, ये आपका ध्यान रखिएगा। इससे आपको दूर नहीं जाना, दूर इससे जाना है, क्लियर है ना। तो आप सब इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको बस पढ़ाई करनी है, इसको पूरी तरह से निकले। हाँ, आप जब आप बहुत ज्यादा चर्चीय तो 3 घंटे कंप्लीट होने के बाद मैच का स्कोर देख लो ना, ये देख लो ना किसने कितने रन बनाए। क्या जरूरी है कि हर बॉल को देखना? क्या जरूरी है बैठ के पूरा 3 घंटे आईपीएल देखना? ये 3 घंटे आईपीएल केवल आपके माइंड में 3 घंटे ही नहीं बर्बाद करेगा, आपने जितना पुराना पढ़ रखा है ना इसको भी यहां से पूरा फ्लैशबैक कर देगा, एकदम जीरो बटे सन्नाटा हो जाएगा। आप मानेंगे नहीं, 3 महीने के बाद बस आपको यह लगेगा, अरे यार मुझे तो मैथ भूल गई, मुझे रीजनिंग भूल गई, मुझे जीटे जीएस भूल गई। और बाय द वे, अगर ऐसा ना हुआ कि 30 मई को जैसी आईपीएल शुरू खत्म हुआ और 30 मई के तुरंत बाद आपके ग्रुप डी की डेट आ गई, तो बताइए आप क्या करोगे? थोड़ा सा इस बात के बारे में सोचिए। ये चीजें हर साल आएंगी, ये आपको बर्बाद करने के लिए आई है, देख लीजिए रचाए। हाँ, जो लोग देख रहे देखने दीजिए, लेकिन भाई आप लोग खास तौर से जो मुझे फॉलो करते हैं रेलवे पाठशाला से जुड़े हुए, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आपको पूरी तरीके से बस पढ़ाई करनी है। मैंने इसी वजह से आज रात की 8 बजे की क्लास लगाई है, केवल ये देखने के लिए कि कितने बच्चे आईपीएल देखते हैं और कितने बच्चे क्लास में आते हैं, क्लियर है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, फैसला आपका है, ये फैसला आपका है आईपीएल की इंडियन रेलवे, आज ही से डिसाइड कर लीजिए। और बड़े चेहरे में मुस्कान आनी चाहिए जब आप इसका 3 घंटा अपनी पढ़ाई को दोगे। जितना ज्यादा आप पढ़ाई की ओर बढ़ोगे भाई साहब, आप इस इंडियन रेलवे की तरह उतना ही ज्यादा बढ़ोगे, और जितना ज्यादा आईपीएल देखोगे ये इससे उतना ही ज्यादा दूर जाओगे। बर्बाद करने के लिए है आईपीएल, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।